हेलो वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बीस्ट की इस खास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की खुश खबरी आ रही है। आपको बता दें कि भारत में 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। और ऐसे में यहाँ पर देसी ऐप ने धमाल मचा दिया है। जी हाँ, टिकटॉक पॉपुलर ऐप बैन होने के बाद चिंगारी नाम की एक एप्लीकेशन जो की पूरी तरह से देसी है, उसने आग लगा दी है। खबरों की माने तो ऐसी कई सारी खबर है जिसमें यह बताया गया कि टिकटॉक को चिंगारी की जबरदस्त टक्कर, प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड। जी हां, देश में 59 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगने के बाद से टिकटॉक को टक्कर देने वाली एप्लीकेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चिंगारी एप्लीकेशन भी टिकटॉक की तरह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अब इस एप्लीकेशन ने एक नया मुकाम हासिल कर दिया। वही चिंगारी ऐप के को डेवलपर सुमित घोष ने ऐप वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि ऐप पर अभी तक 148 मिलियन वीडियो देखे जा चुके हैं। वही 3.6 मिलियन वीडियो को लाइक किया जा चुका है। चिंगारी एप्लीकेशन के यूजर अब 1.10 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। और इसी के साथ में जिस स्पीड से इस एप्लीकेशन के यूजर बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा तक लोग इसे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। जी हां दोस्तों, चीन के 59 एप्लीकेशन को बैन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ड्रैगन को एक बड़ा झटका दे दिया है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी ने एप्लीकेशन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट चुके हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारे युवा आगे आए और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय एप्लीकेशन बनाए, मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया एप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप कम्युनिटी के बीच अपार उत्साह है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जंग छेड़ दी है, जिसमें टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन बनाने का चैलेंज दे दिया है और देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी है। उन्होंने कहा है कि आप एप्लीकेशन बनाएं, मैं भी इसे ज्वाइन करूंगा। यानी कि जो भी युवा एप्लीकेशन बनाता है, उसे स्वयं प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि पूरे भारत का सपोर्ट मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है और ये अवसर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटेगा। भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।